सुप्रभातम। 7 अक्टूबर 1907 को मेरा जन्म शहजादपुर ग्राम में हुआ। मेरे दादाश्री यहाँ के जमींदार थे। मेरे धर्मपरायण माता पिता को इकलौती पुत्री के जन्म के कारण बहुत खुशी हुई थी। बड़े स्नेहपूर्वक मेरा नाम दुर्गावती देवी रखा गया। लाड़ प्यार दुलार के माहौल में मैं पल रही थी। दुर्भाग्यवश जब मैं केवल 10 महीने की थी, तब मेरी माता श्री यमुना देवी स्वर्गलोक से धारी। पश्चात कुछ दिनों में अलाहाबाद के कलेक्ट्रेट में नाजीर मेरे पिताश्री बाके बिहारी ने संन्यास आश्रम स्वीकृत किया। मेरे बुआ जी ने ही मेरी परवरिश की। आगे चलकर उम्र के 11वें साल में मेरा विवाह श्री भगवती चरण जी वोरा के साथ हुआ। मेरे ससुर श्री शिवचरण जी वोरा रेल विभाग में अधिकारी थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का किताब देकर सम्मानित किया था। जिस दिन घर में पुरस्कार का जश्न मन रहा था, उस दिन मेरे देशाभिमानी पति घर छोड़कर बाहर चले गए। समृद्ध एवं संपन्न ससुर जी ने मुझे विवाह के उपलक्ष में 40,000 रुपये भेंट दिए। पिताश्री ने भी मुझे 5,000 रुपये प्रदान किए थे। आगे चलकर यह सारी धनराशि क्रांतिकार्य के काम में आई। बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर बड़े हुए भगवती जी 1920 के दशक में सत्याग्रह के आंदोलन से जुड़ गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र रूप में भाई परमानंद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल, इन सभी ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। दुनिया भर में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानने समझने के लिए यह बनाया गया था। मेरे संवेदनशील पति मेरी अधूरी शिक्षा पूर्ण करने में भी प्रयासरत रहे। प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात आत्मनिर्भर होने हेतु मुझे इलाके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने विशेष प्रोत्साहित किया। मेरे ससुर जी क्रांतिकार्य के विरोधी थे। उनके मृत्यु के पश्चात अपने आप को पूर्णतया भगवती जी ने क्रांतिकार्य के लिए समर्पित किया। पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने भी समर्पण भाव से क्रांतिकार्य में सक्रिय योगदान देने का निश्चय किया। हमारा शिव निवास क्रांतिकारियों का आश्रय स्थान था। रात बिरात कभी सुखदेव आता, कभी चंद्रशेखर। दुर्गा भाभी, हमें भूख लगी है ना, बड़े स्नेहपूर्वक कहते। आगरा से राजस्थान सफर कर रहे वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम विस्फोट की पूरी योजना भगवती चरण जी ने बनाई। दुर्भाग्यवश बम पैंट्री कार पर धमका और लॉर्ड इरविन सुरक्षित रहे। गांधी जी ने कल्ट ऑफ बॉम्ब लेख में हिंसावादी तरीकों की कड़ी आलोचना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को सैद्धांतिक बैठक देने वाले भगवती जी ने फिलोसॉफी ऑफ बम यह पर्चा प्रकाशित किया, जिसने भारत भर में तहलका मचा दिया। जिस पर्चे में उन्होंने क्रांति का दर्शन समझाते हुए कहा, क्रांतिकार कोई चोर, डाकू या उचक्के नहीं होते, देशभक्ति की उत्कंठा उनमें होती है और क्रांति द्वारा वे राजकीय परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस पत्र का प्रत्युत्तर देने की क्षमता किसी भी कांग्रेस नेता के पास उस समय नहीं थी। भगवती जी ने तो मुझे भी हिम्मत जताई। एक दिन मेरे हाथों में पिस्तौल थमाकर उन्होंने कहा, दुर्गा, आप तो आदर्श गृहिणी हो और गृहिणी के नाते घर गृहस्थी आप उत्कृष्ट चलाती हो, अब पिस्तौल भी चलाना सीख लो। प्रशिक्षण लेने तुम्हें कानपुर जाना है। बस फिर क्या था,
घूंघट लेकर राजस्थान जाकर हथियार लाना, कभी अन्य प्रांतों में जाकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लेन देन करना, कभी रात बेरात दीवारों पर पर्चे चिपकाना, यह सिलसिला चलता ही रहा। प्रसाद जैन ने दिल्ली के कुतुब रोड पर हिमालयन टॉयलेट्स नामक एक बम बनाने की फैक्ट्री शुरू की, जिसमें हम दोनों ने सहकार्य करने का निश्चय किया। 16 नवंबर 1926 को नौजवान सभा ने करतार सिंह सरबा के 11वें शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु एक सभा का आयोजन किया था। सभी नवयुवकों का जोश एवं उत्साह वृद्धिंगत होने हेतु मैंने और सुशीला दीदी ने करतार सिंह के चित्र में अपने खून से रंग भर दिए। 30 अक्टूबर 1928 का वो काला दिन, साइमन कमीशन का विरोध काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्वक जताया गया था, लेकिन बौखलाई अंग्रेज पुलिस ने भीड़ पर बेरहमी से लाठी चलाई, जिसका नेतृत्व पितामह पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। महिलाओं की अग्रसरिका होने के नाते मुझसे उनका अमानुष छल देखा ना गया, मेरा तो बस खून ही खौल उठा। लाला जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते समय मैंने अपना निर्णय सुना दिया। लाला जी की चिता ठंडी होने के पूर्व ही मैं स्कॉट का वध करूंगी। मेरा रौद्र रूप देखकर भगत सिंह ने मुझे कहा, भाभी हमारे रहते आप ये काम नहीं करोगी। शेष कथा भाग अगली कड़ी में। भारतीय रक्तिम क्रांति इतिहास की समर्पक कड़ी दुर्गा देवी भगवती चरण वोरा जी को कोटि कोटि प्रणाम।